हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों अभी एक मैं बनाऊंगा अपने लिए सब्जी, आलू की फ्राई करके बनाऊंगा मैं सब्जी, क्योंकि ना बहुत दिन हो गए मैंने सब्जी नहीं बनाई थी। और अब मन करा था सब्जी बनाने का। मुझे सारी सब्जी बनानी आती है, सिर्फ एक तो करेले की और एक हरी सब्जी, और दाल बनाने नहीं आती, और सारी सब्जी बनानी आती है मुझे, और अरवी की भी नहीं आती। हाँ अरवी और सारी सब्जी आती है। और बनाऊंगा अपने लिए आलू गोभी की सब्जी। वैसे तो देखो मम्मी ने आलू गोभी की बना रखी है सब्जी, और मैं अपने लिए सिंपल आलू को बनाऊंगा फ्राई करके। मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है, तो बहुत दिन हो गए थे तो मैं फ्राई करके आलू को बनाऊंगा। और यहाँ पे मम्मी डाल रही है, मतलब डालेगी लाल मिर्चों का अचार। ये मोटी वाली मिर्च है ना, इनका अचार बहुत स्वादिष्ट लगता है। देखो पहले मम्मी ने कम से कम एक डेढ़ महीने पहले भी डाला था अचार, वो मोटी ऐसी मिर्च थी, वो भी ऐसी पर वो हरी मिर्ची थी। उनका अचार डाला था मम्मी ने, उनकी शायद एक या दो ही मिर्ची बची हुई है, तो अभी मम्मी ने इन वाली मिर्चों की तैयारी कर दी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कि मैं आलू की सब्जी कैसे बनाऊंगा। तो शुरुआत में हमें ले लेनी है जितनी सब्जी बनानी है ना उसके हिसाब से आलू। तो मैं अपने लिए बना रहा हूँ, तो दो ही आलू काफी है। दोस्तों मैंने दो आलू ले लिए हैं और इनको अच्छे से धो लिया है, और अभी इनको छील रहा हूँ। आलू को भी दोस्तों छील लिया मतलब, और अब अपनी शेप में मस्त पसंदीदा शेप में काट लेना है, जैसी आपको छीलती हो। मैं तो सिंपली कट कर रहा हूँ। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is. दोस्तों मैंने आलू की कटिंग भी कर दी है, और अभी बारी है चॉप तैयार करने की। तो आलू को रख देते हैं साइड। इनको दोस्तों पानी में धो लेना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसमें से जो व्हाइट व्हाइट स्टार्च सा निकलता है ना, स्टार्च वो अलग हो जाएगा। देखो दोस्तों ये प्लेट पे लगा हुआ है ना, ये सारा वो ही है, और अब इसको धो दूंगा ना तो वो सारा अलग हो जाएगा। देखो दोस्तों पानी भी तो व्हाइट व्हाइट सा हो गया ना, अब एक बार हो गए इनको पानी में रख देंगे। और देखो दोस्तों मैंने पापा की चप्पल पहन रखी है, क्योंकि मेरी चप्पल पता नहीं कहाँ पे है, तो मैंने पापा की पहन ली। मुझे ना दोस्तों किसी की भी चप्पल मिल जाए मम्मी को पहन लेता हूँ, मम्मी की मिल जाए, पापा की मिल जाए, दादी जी की मिल जाए, किसी को पहन लेता हूँ, सबकी चप्पल मिल जाती है, लेकिन मेरी चप्पल ही नहीं मिलती। मेरी चप्पल तो अभी भी देखो मैंने पापा की पहन रखी है। और दोस्तों अभी दोस्तों मैं कूड़ा खलक होना साइड फ्रीम में डाल दूंगा, वरना मम्मी ने कही थी कि थोड़ी सी भी गंदगी कर देना सुर में तो तेरी पिटाई करूंगी। तो अभी सारा कूड़ा बाहर रहेगा, बाहर प्याज वो दे दी है दोस्तों, पानी आ रहा आंखों में। और दोस्तों मैंने छोप के लिए ना दो तो ये प्याज ले लिए, एक तो लिया है इतना और एक बिल्कुल छोटी सी है, और एक लिया ये टमाटर, और दो हरी मिर्ची, और ये अदरक लिया। हरी मिर्च मुझे पसंद नहीं है दोस्तों, मुझे तो लाल मिर्ची पसंद है, इसलिए मैं दो ही हरी मिर्ची डाल रहा हूँ। और इसके साथ साथ दोस्तों लहसुन भी अभी धो लेते हैं, क्योंकि लहसुन भी तो पड़ेगा, लहसुन से ही तो स्वाद आएगा सब्जी में, लहसुन मुझे पसंद है। वैसे दोस्तों मम्मी है ना अब प्याज और लहसुन का तो ना बिल्कुल कमी वो कर रही है यूज, खाने डालने में जो खाना बनाते हैं बिल्कुल ही कम यूज कर रही है,
और फिर भी जो सब्जी है ना इतनी स्वादिष्ट लगती है। देखना इसमें मम्मी ने ना तो ना प्याज डाल रखे हैं और ना लहसुन डाल रखा है, और फिर भी देखो कितनी स्वादिष्ट बनी है। लेकिन मुझे तो प्याज और लहसुन को बिना टेस्ट ही नहीं आता, ये दोनों तो सब्जियां मैन होती हैं, पर वैसी अच्छी बनती है। लेकिन मैं तो उन्हीं के साथ बनाता हूँ, तो लहसुन भी इसे में डाल दिए हैं और अभी एक बार इनको धो लेती हैं। तो दोस्तों मैंने ये तो धो लिए हैं और अभी इनको कट कर लेते हैं। दोस्तों बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्याज है, बिल्कुल तिखे तिखे काटते वक्त भी रोना आ रहा है। बताना दोस्तों एक पहेली है, ये काटते काटते याद आई, मैं कटू तू क्यों रोवे सभी को आंसर पता ही होगा, लेकिन फिर भी कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बता देना। और एक और बुझू, भरी थी मन भरी थी लाख मोती जड़ी थी, लाला जी के बाग में दुशाला उड़ी खड़ी थी। तो बता देना, और ना इन सारी पहेलियों का आंसर आपको नहीं पता होगा ना, तो मैं अगली मतलब अगले इसमें बताऊंगा व्लॉग में। और एक और है मेरे दिमाग में, वो और पूछता हूँ। काला रंग का हूँ मैं, काले वन में रहता हूँ, लाल पानी पीता हूँ, बताओ मेरा नाम क्या है। और दोस्तों एक आखिरी और मुझे बताए, वो ही पूछ लेता हूँ। टेडी मेडी गाड़ बीच में कुआ, बता देना जिसको पता हो ना कमेंट सेक्शन में बताना, और आप भी पहले कमेंट सेक्शन में बताना और मैं सभी को रिप्लाई दूंगा अगर मुझे पहले पता होगी तो। वैसे हरियाणा वालों को तो ये सारी पहली पता ही होगी। दोस्तों मैं आपसे एक और पूछता हूँ हरियाणा वालों को, वो पक्का बता रहा हूँ, कुछ पक्का उसका आंसर पता ही होगा। नीचे कुआ ऊपर आग, फिर भी मेरे इतने सारे लोग रहे लाग, बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर है। और आपसे पहले पूछते मेरे प्याज भी कट गए और लहसुन भी कट गए, अब टमाटर ही बचे हुए हैं। इनको ना लहसुनों को बिल्कुल बारीक करके काटना है, मेरे से ज्यादा बारीक हो नहीं रहे, अगर आप मोटे मोटे छोड़ो भी ना तो ये मुंह में आ जाएंगे खाते वक्त, बहुत गंदा स्वाद आएगा। बिल्कुल छोटे छोटे करके डालना। कुछ लोगों को तो दोस्तों लहसुन से बिल्कुल प्यार ही आ जाता है, और उन लोगों को तो अगर मोटा मोटा लहसुन भी सब्जी में डाल देना तो उनके लिए तो जन्नत सी बन जाएगी सब्जी। और जिसको ना पसंद हो तो बिल्कुल बारीक करके डालना पड़ता है, और मुझे पसंद तो है लेकिन अगर बहुत सारा एकदम आ जाए ना तो वो अच्छा नहीं लगता। दोस्तों मैंने सब्जी के लिए छोंक भी काट दिया, इसमें मैंने लिया है एक प्याज एक टमाटर और ऊपर से ये अदरक ग्राइंड कर दी, और दो हरी मिर्च उनको भी पीस दिया, और लहसुन है। और अब ना एक बार जो आलू थे ना इनको फ्राई कर लेता हूँ अच्छे से, फ्राई करने के बाद सब्जी का अलग ही टेस्ट हो जाता है। दोस्तों मैंने नॉन स्टिक तो वो नहीं ली कढ़ाई, मैंने ये सिल्वर की ले ली, इसमें एक या दो चम्मच घी डाला है और इसमें हल्के फुल्के अपने आलू तल दूंगा। और मम्मी को तो पहले ही दस का हो गया, खांसी आने लग गई। तो एक बार तेल को गर्म होने देते हैं, फिर अपने आलू इसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें ये आलू तो डाल दिया है घी में, और अभी थोड़ी देर में ये फ्राई हो जाएंगे, फिर बनाऊंगी सब्जी। मम्मी तो बोल रही थी कि सिंपल ही बना ले, पर मुझे ये वाली ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मम्मी सिंपल इसलिए बोल रही थी क्योंकि इस वाली में ना टाइम ज्यादा लगता है, पहले तो लो पूरी सब्जी बनाओ और इनको लाते रहना पड़ेगा वरना ये चिपक जाएंगे इस पे। दोस्तों
मेरे आलू देखो तल के ना रेडी हो गए हैं और इनको ज्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 4 या 5 मिनट लगे। और हिलाते रहना था क्योंकि वो घर में हिलाते नहीं रहता ना तो ये चिपक जाते। और देखो अभी की बच भी गया इसमें से भी, मैं सोचा ये कम है लेकिन इसमें से भी बच गया और ये अभी छोक में काम आ जाएगा। और दोस्तों सारे आलू भी निकाल लिए हैं और अभी तेल ये बचा हुआ है ना जो घी मतलब इसी में वो बन जाएगी सब्जी भी। दोस्तों मैंने अभी इसमें प्याज भी डाल दिए हैं और अभी इनको ना ब्राउन होने के लिए तोड़ देना थोड़ा सा। और जब ये इतनी मस्त स्मेल आ रही है इसमें से, और जब ये ब्राउन हो जाए ना तो फिर इसमें डालनी है टमाटर लहसुन और प्याज की इतनी मस्त स्मेल आ रही है। दोस्तों प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और अभी इसमें डाल देने हैं टमाटर। तो देखो हमारे टमाटर भी गलना थोड़े थोड़े स्टार्ट हो गए हैं और अभी इसमें डालने हैं थोड़े से मसाले। पहले तो डालनी है सबसे पहले इसमें थोड़ी सी हल्दी, हल्दी डाल दी, फिर डालनी है लाल मिर्ची, लाल मिर्ची भी डाल दी और अब डालना जीरा पाउडर। दोस्तों और दोस्तों अभी ना आपको इसमें थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये मसाला जले नहीं। दोस्तों मैंने इसमें नमक और थोड़ा सा हींग भी डाल लिया है, नमक से स्वाद अनुसार डाल देना स्वाद अनुसार। और देखो हमारी रेडी हो गई है। और थोड़ा सा आप ना गरम मसाला भी डाल देना, मैंने पहले नहीं डाल दिया गरम मसाला, इतना सही डाला है बिल्कुल देखो। और अब इसमें डाल देते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से है दोस्तों, और अपने आलू जो हमने तले थे ना बिल्कुल सिंपल तरीके से है और अब खा के देखना कितनी मस्त है। देखो दोस्तों हमारी सब्जी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है और अब इसको सिर्फ 2 मिनट या 2 मिनट से कम ही बिल्कुल धीमी आंच पे पका देना है, फिर इसको ढक देना है, फिर इस पे थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से और धनिया डाल के खा के देखना, बिल्कुल मजा ही आ जाएगा दोस्तों। और जरूर बना के देखना, ट्राई करना कैसी बनी है, फिर कमेंट में बताना। दोस्तों मैंने गैस को तो कर दिया है ऑफ और देखो इसमें धनिया वगैरह भी डाल दिया है और कितनी मस्त बनी है ना सब्जी। अगर दोस्तों मम्मी घर पे नहीं हो ना तो मैं आराम से सब्जी रोटी बना के खा सकता हूँ, मुझे सब्जी आती है बनानी, रोटी आती है, परांठे आते हैं और पूरी बनानी आती है और चाय वगैरह तो मैगी वूगी तो ये तो आती है नॉर्मली है, और सब्जी तो सारी आती है, बस हरी सब्जी यार भी बताए थे ना उनको छोड़ के, वो सारी सब्जी भी आती है, मम्मी ने सारी चीज सिखा रखी है, मुझे झाड़ू भी मारनी आती है, पोछा भी मारना आता है। देखो दोस्तों मैंने अपनी थाली भी लगा ली है, कितनी मस्त सब्जी बनी है और रोटी और लस्सी। आओ फ्रेंड्स आप सभी भी खा लो और एक बार आप ट्राई करते हैं कि कैसी बनी है। दोस्तों एक बार मेरे कहने पर जरूर ट्राई करना, एक नंबर की बनी है दोस्तों, कुछ एक नंबर की, आप जब भी एक बार बना के देखना सिर्फ क्या आलू की सब्जी है। दोस्तों इसके लिए ना मुझे एक गाना याद आ रहा है, क्या स्वाद है मेरी आलू की सब्जी में, वाह क्या स्वाद है, मेरे हाथों में जादू है जादू दोस्तों। अच्छा तो दोस्तों आज के वो लोग हम यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।